नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में इसके सागर। दिया वेलफेयर ट्रस्ट मंगलपुरी में मौजूद है। आप लोग जब बर्थडे मनाते होंगे, और रिकवरी बर्थडे में डिफरेंस ये है कि आप बर्थडे मनाते हैं वो आपके जन्मदिन की तारीख होती है, जो तारीख को आप नशा छोड़ते हैं उस तारीख से लेकर जो तारीख आती है उसको कहते हैं रिकवरी बर्थडे। जोगिंदर शौकीन जो है उनका जो 12वां रिकवरी बर्थडे है, ये आमतौर से बहुत कम नशेबाज लोग मना पाते हैं, क्योंकि नशा जिसको लग जाए पहले तो वो नशों के आदि होते हैं, इसके बाद नशा उनको अपना आदि बना लेता है, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नशे से दूर बना पाना बहुत मुश्किल है। ये वो दंडल है जिसमें जो घुसा वो डूबता ही चला गया। और यहाँ पे आए हुए अतिथि किस तरीके से उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और किस तरीके से उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनते हैं। मेरा नाम जोगिंदर शौकीन है, ये हमारा 12 साल मैंने कम्प्लीट किए हैं नशे से दूर, और जो कि मैं एक संस्था चलाता हूं जिस संस्था का नाम है दिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और आज बड़ी खुशी की बात है कि एक एक दिन करके मुझे 12 साल कंप्लीट हो गए नशे से दूर। मैंने जब नशे को स्टार्ट किया तो मेरी 15.5 साल की उम्र रही होगी, और ये मालूम नहीं था कि इसके परिणाम क्या होंगे। और मैंने सिर्फ इस सोच के साथ लिया था कि बस थोड़ा सा ये है कि मैं एंजॉय कर पाऊँ, और इससे कोई बदबू नहीं आती और किसी को पता नहीं चलता। बट मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये लेने के बाद मैं कैसी मुसीबत में चला जाऊँगा, और वो धीरे धीरे जो है मेरी ज़िंदगी में नशा हैवी होता चला गया। और जब इसके परिणाम मेरे को लगे कि ये मेरे ज़िंदगी में एक घर कर गया है, और मैंने वापसी उसको छोड़ने की कोशिश की, तो मैं एक दिन, दो दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना छोड़ पाता था। पर मेंटली माइंड में ये रहता था कि बस एक बारी आज ले लेता हूँ और कल से बंद कर दूँगा, और फिर दोबारा मैं उसी तरीके से लेना स्टार्ट करता था कि सुबह, दोपहर, शाम। और लेते लेते मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, और जिसमें मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी मिसिस के मेरे बीच में तनाव ये आने लग गया नशे की वजह से, मेरे बच्चे हो गए, और काफ़ी मतलब समस्या आई, और मैं चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। बदलाव बहुत, काफ़ी बदलाव है। जब मैं नशा लेता था तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो आत्मसम्मान है, वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था। बिल्कुल ही एक तरह से मैं भावनाओं के रूप से मैं एक तरह से मैं मर गया था, क्योंकि मेरी जो भावनाएं थी वो डरों में रहती थी कि कोई किसी को पता ना लग जाए, कोई देख ना ले, और मैं सबसे नज़रें चुराता था। बट अब ऐसा नहीं है। जब मैं एक संस्था में गया, वहाँ मैंने 11 महीने का समय बिताया, और मुझे पता लगा के नशे से दूर होने के बाद ज़िंदगी बहुत हसीन और बेहतर हो जाती है। और जिसमें मेरे को ये भी बताया गया कि ये एक मानसिक रोग है और इससे दूर हुआ जा सकता है, बशर्ते छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में अपने जीवन में लानी पड़ेगी। संस्था जो है ओपन करने का जो विचार जो आया था, बहुत पहले आया था, जब मैं एक रिहैप में गया था अपने इलाज के लिए, तो वहाँ से मैंने जो है उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, और मेरे को बताया गया था कि अगर आप रिकवरी एडिक्ट हो और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाओगे तो ये मैसेज आपको आगे भी देना है, जिससे हमारे यूथ, हमारे समाज को एक नई दिशा मिले। मेरी तरफ से एक ही मैसेज है, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि आज जोगिंदर शौकीन जी का जो 12वां जन्मदिन है, मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअल में तो जोगिंदर जो है वो एक, मैं एज अ बच्चा ही उसको मानता हूँ शुरू से, और जब उसने इस दिव्या वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की थी, तब मैं पहले दिन भी उसके साथ था, और सच पूछो तो उसने इस बारे में मेरे से ही जिक्र किया था कि मैं ऐसे खोलना चाहता हूँ एक नशा मुक्ति सेंटर। तो मैंने उसे कहा था तू खोल, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, और मैं हूँ भी उसके साथ। इसी तरीके से आज से 30 साल पहले जब मैं नशा करता था, तो मुझे पता है कि एक नशेबाज के लिए 12 मिनट नशे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है,
और ये 12 साल कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जोगिंदर के लिए और मैं इसके लिए उसको बधाई का पात्र मानता हूँ। उनके लिए एक ही मैसेज है कि देखिए मैं एक नशेबाज रहा हूँ, तो सिंपल सी कहानी है कि अगर मुझे इस बिना नशे की जिंदगी में मज़ा ना आ रहा होता तो मैं कब का नशा दोबारा कर चुका होता। तो इसका मतलब ये है कि बिना नशे की जिंदगी में भी बहुत मजा है और एक बारी बस जी के देखो आप। हम बिना जिए नशे को अपना सहारा बना लेते हैं, एक बारी बिना नशे की जिंदगी जी के देखो उससे भी ज्यादा नशा है उसमें। नाम आपका? दिया। पापा का रिकवरी बर्थडे है, उसके लिए क्या कहेंगी? मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं। नमस्कार, मैं कविता एडिक्ट हूँ। मुझे नशे से दूर 16-17 महीने हो चुके हैं, जहाँ पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कभी सोच पाती थी कि मैं रहूँगी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की मदद से, प्रोग्राम्स की मदद से मैं आज दूर हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ जोगी जी के लिए कि उन्होंने अपने 12 साल कंप्लीट करे हैं बिना नशे के और आज तक लोगों की मदद कर रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, बहुत हेल्पिंग है, बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिंग है। मैं श्यामवीर नशेबाज, भगवान की कृपा से आज कोई नशा नहीं किया। भाई जोगिंदर सिंह को आज 12 साल हो गए नशे से दूर, बर्थडे की लख लख बधाई देता हूँ मैं भाई साहब को। मेरा नाम सतवीर डबास है, मैं एक नशेबाज, मैं 23 साल की मेरी रिकवरी है। आज जोगिंदर भाई का जो 12 साल रिकवरी में पूरे किए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत खुशी का दिन आज हमारे लिए, कैडिट के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा खुशी उसका रिकवरी बर्थडे होता है। ये एक अनमोल तोहफा होता है एडिट के लिए। तो हम सब भाई आज बहुत रिकवरी मेंबर रहे, आज आए हुए हैं यहाँ, भाई रिकवरी बर्थडे मना रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको और हम इसके साथ हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार नशे से दूर हो, एक बार नशा छोड़ कर देखो, जिंदगी जीने का तरीका ही और होगा। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे जीएनएम का काम करता हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जोगिंदर भाई के बर्थडे में, हम 12 साल का रिकवरी बर्थडे है और हमें बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पर सारे शामिल हुए हैं, कुलदीप जी, सारे बंदे जितने भी हैं। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जोगिंदर भाई, आपको 12वें साल ऐसे ही हजारों साल हो जाएं, मेरी यही शुभकामना है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा नाम कुलदीप है, मैं भी एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट हूँ और आज के दिन क्लीन हूँ, थैंक गॉड। और बड़ी खुशी का मौका है, आज हमारे बीच एक भाई है जोगिंदर, जिन्होंने आज 12 साल पूरे करे हैं और अपना रिकवरी बर्थडे हम सभी भाइयों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जोगी भाई हैं, क्योंकि ना इस सेलिब्रेशन के लिए यार मुझे भी बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि ना मैं भी एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट हूँ और उसको क्लीन होने के लिए यार मुझे इन सब भाइयों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आई कांट वी कैन, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। जोगिंदर भाई के लिए क्या कहना, जो मतलब मेरे पास लफाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, है ना, क्योंकि मैं भी एक एडिक्ट हूं और जन्मदिन की मतलब जो है नशा, हम लोग जो है बायोलॉजिकल बर्थडे नहीं मनाते हैं, है ना, हम ये नशा जिस दिन हमने छोड़ा है उस दिन का बर्थडे मनाते हैं। और भाई को आज 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है और ये हमारी फेलोशिप है, है ना। हाँ, हमने मैं तो एक बात जानता हूँ कि अभी दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है नशा छोड़ना है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।